सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह के मुरीद थे, मुर्शिद अव्वलीन अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्यों कि जो बैत का तसव्वुर और बैत का निज़ाम ये अल्लाह के रसूल ने कायम फरमाया वही जारी है, उसी को आगे जारी रखा गया और आज तक जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। तो ये जो आयत करीमा आपने अभी सुनी है और तर्जुमा भी सुना है, ये आयत करीमा बैत सूफिया में एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। मौका था बैत रिजवान का, जिस बैत का जिक्र अल्लाह ने यहां फरमाया है इसको कहा गया है बैत रिजवान, और इसलिए कहा गया है कि इसी सूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 18 में यह फरमाया है लकद रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायउनका, बेशक अल्लाह राजी हो गया ईमान वालों से जब वो आपकी बैत कर रहे थे। तो ये जो अल्लाह ने राजी होने का ऐलान फरमाया है ना, इसको कहा गया बैत रिजवान, कि अल्लाह ताला ने अपनी रजामंदी का ऐलान फरमाया। किन के लिए? उन सहाबा के लिए। और ये रजामंदी हमेशा के लिए है, इसीलिए कुरान मजीद की एक और आयत शरीफा भी कभी कभी पेश की जाती है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये भी याद रखें आप। जुमा के दिन भी आपको इस महदूद वक्त में इल्म हासिल होता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए। ये सहाबा के लिए आयत नाजिल हुई है, सहाबा किराम कंपेनियंस अल्लाह के रसूल के साथी, अल्लाह के रसूल के मुरीद। तो अल्लाह ने उनके लिए अपनी रजा का ऐलान फरमाया कि वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। जब अल्लाह बंदे से राजी हो जाए और बंदा अल्लाह से राजी हो जाए तो बाकी क्या रहा? सब कुछ मिल गया।